Hello and welcome to mining area. Today we are going to talk about surface mining method. Before that, please subscribe to the channel and hit the bell icon to get further notification. Let's start. What is mining? Mining क्या होता है? अर्थ सरफेस या अंडरग्राउंड से किसी भी वैल्यूएबल मिनरल को निकालने की प्रक्रिया माइनिंग कहलाती है। माइनिंग दो प्रकार की होती है, पहला अंडरग्राउंड माइनिंग, दूसरा सरफेस माइनिंग। पहला है अंडरग्राउंड माइनिंग। जब मिनरल या और हाई डेप्थ पर पाया जाता है तो उसे एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो मेथड का यूज किया जाता है उसे अंडरग्राउंड माइनिंग कहलाती है। दूसरा है सरफेस माइनिंग। जब मिनरल या और कम डेप्थ या शैलो डेप्थ पर पाया जाता है तो उसे एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो मेथड का यूज किया जाता है उसे सरफेस माइनिंग कहते हैं। इंडिया में पहले 90 मीटर तक डेप्थ तक ही काम किया जाता था, लेकिन टेक्नोलॉजी के बढ़ते हुए 300 से 400 मीटर तक किया गया है, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल है झारिया कोल्ड फील्ड जो कि झारखंड में स्थित है। इसमें 480 मीटर तक प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है। इस वीडियो में हम सरफेस माइनिंग के बारे में समझेंगे। सरफेस माइनिंग टू कैटेगरीज में होता है, पहला मैकेनिकल एक्सट्रैक्शन मेथड, दूसरा एक्वस एक्सट्रैक्शन मेथड। पहला है मैकेनिकल एक्सट्रैक्शन मेथड। इस मेथड में किसी भी मिनरल या ओर का एक्सट्रैक्शन मैकेनिकल द्वारा किया जाता है। इसके चार भाग होते हैं, ओपन पिट माइनिंग, ओपन कास्ट स्ट्रिप माइनिंग, क्वेरिंग, ऑगर माइनिंग। ओपन पिट माइनिंग। ओपन पिट माइनिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें नियर डिपॉजिट को लॉन्ग डिपॉजिट में कन्वर्ट करके वहां से मटेरियल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। यह मेगा माइनिंग के रूप में भी जाना जाता है। यह लॉन्ग पिट एक डीप होल होता है जो मिनरल या ओर को एक्सट्रैक्ट करता है। इस मेथड में एक या एक से अधिक हॉरिजॉन्टल बेंच का यूज करके मटेरियल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। यह मेथड मेटालिक और नॉन मेटालिक दोनों में यूज किया जाता है। साथ ही साथ ओवरबर्डन को हटाने या वेस्ट डंप तक ले जाने के लिए एक ही इक्विपमेंट का यूज किया जाता है। ओपन कास्ट या स्ट्रिप माइनिंग। यह मेथड मेनली कोल या अदर बेडेड को एक्सट्रैक्ट करने के लिए किया जाता है। ओपन कास्ट माइनिंग सेम ओपन पिट माइनिंग जैसी ही दिखती है। जब मिनरल या डिपॉजिट हाई डेप्थ पे हो तो इसका यूज किया जाता है। ओवरबर्डन को ट्रांसपोर्ट नहीं किया जाता बल्कि माइंड आउट पैनल में इसे भर दिया जाता है। थर्ड मेथड है क्वेरिंग। इस मेथड का यूज डायमेंशन स्टोन को एक्सट्रैक्शन के लिए किया जाता है, जैसे लाइमस्टोन, ग्रेनाइट, मार्बल, ईटीसी। यह मेथड बहुत ही कॉस्टली होती है क्योंकि डायमेंशन ब्लॉक को निकालने के लिए नॉर्मली एक्सप्लोसिव का यूज नहीं किया जाता है। चौथा है ऑगर माइनिंग। जब कोल निकालते समय स्टिकिंग पॉइंट ब्रेक हो जाता है तो हाई वॉल का यूज करके इसे कोल निकाला जाता है। यह ओपन कास्ट में यूज किया जाता है। इसके दो पार्ट होते हैं, ऑगर माइनिंग और हाई वॉल माइनिंग। यह ऑगर माइनिंग ये सबसे पहली और ट्रेडिशनल मेथड है जिससे कोल निकाला जाता है। ऑफनली ऑगर माइनिंग को हाई वॉल माइनिंग कहते हैं। इस मेथड में सरफेस सीएम के द्वारा हाई वॉल में पैरेलल एंट्रीज बनाकर कोल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। सरफेस माइनिंग की पहली मेथड खत्म होती है। अब यहाँ से दूसरी मेथड देखेंगे जो है एक्वस एक्सट्रैक्शन मेथड। एक्वस एक्सट्रैक्शन मेथड, इस मेथड में किसी भी ओर या मिनरल का एक्सट्रैक्शन वाटर पर डिपेंड करता है। लगभग सरफेस माइनिंग का प्रोडक्शन इस मेथड से 10% होता है। इसके दो टाइप है, पहला प्लेसर माइनिंग, दूसरा सोल्यूशन माइनिंग। इस मेथड में प्लेसर डिपॉजिट का एक्सट्रैक्शन वाटर द्वारा किया जाता है। इसके दो टाइप होते हैं, पहला हाइड्रोलिंकिंग, दूसरा ड्रेडजिंग। इस मेथड में प्लेसर डिपॉजिट का एक्सट्रैक्शन हाई वाटर प्रेशर से किया जाता है। यह एक रोमन टेक्निक है। इस मेथड में मटेरियल का हैंडलिंग और मटेरियल का एक्सकवेशन दोनों ही हाई वाटर प्रेशर से किया जाता है। इसमें ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग की कोई जरूरत नहीं होती क्योंकि यह हाई वाटर प्रेशर से पूरा प्रोसेस किया जाता है। दूसरी मेथड है ड्रेडजिंग। इस मेथड का यूज अंदर के वाटर प्लेसर डिपॉजिट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए किया जाता है। यह मेथड का यूज लेक, रिवर, सी, नेचुरल पॉन्ड्स के ऊपर फ्लोटिंग बोट के द्वारा किया जाता है। टाइप्स ऑफ ड्रेडजिंग मेथड, पहला है शैलो वाटर मेथड, दूसरा है डीप सी और मरीन माइनिंग मेथड। एप्लीकेशन ऑफ शैलो वाटर मेथड, पहला है मैकेनिकल ड्रेज, दूसरा है हाइड्रोलिक ड्रेज और सक्शन ड्रेज। मैकेनिकल ड्रेज का यूज डीप एक्सट्रैक्शन के लिए किया जाता है। इस मेथड में प्लेसर डिपॉजिट को निकालना तथा उसे ट्रांसपोर्ट करना दोनों ही मैकेनिकली किया जाता है। इसका एक उदाहरण है बकेट लाइन ड्रेज। इस मेथड में ट्रांसपोर्टेशन का यूज वाटर से किया जाता है तथा इसके दो टाइप होते हैं, पहला कटर हेड सक्शन ड्रेज, दूसरा कटर व्हील सक्शन ड्रेज।
एक्वस एक्सट्रैक्शन मेथड की दूसरी मेथड है सॉल्यूशन माइनिंग। सॉल्यूशन माइनिंग इस मेथड में कॉपर एंड यूरेनियम में के डिपॉजिट में बोरहोल करके उसे रिकवर किया जाता है। यह मेथड मेनली सल्फर, सिल्वर, मैग्नीशियम, यूरेनियम एंड लिथियम में यूज किया जाता है। मेथड ऑफ सॉल्यूशन माइनिंग, पहला है बोरहोल एक्सट्रैक्शन सिस्टम, दूसरा लीचिंग मेथड, तीसरा इवापोरेट और इवापोरेटिव मेथड। पहला है बोरहोल एक्सट्रैक्शन मेथड। इस मेथड का यूज जनरली कुआं जैसे डिगिंग करके उसमें किया जाता है। यह अंडरग्राउंड माइन या ओपन पिट माइन या लैंड सरफेस पर किया जाता है। लीचिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका व्यापक रूप से निष्कर्षण धातु विज्ञान के उपयोग में किया जाता है, जहां अयस्क को रसायनों के साथ मेल किया जाता है ताकि धातुओं को घुलनशील लवण में परिवर्तित किया जा सके, जबकि शुद्धता अघुलनशील रहती है। तीसरा है इवापोराइट या इवापोरेशन मेथड। इस मेथड में रॉक का निर्माण इवापोरेशन मेथड से होता है। इस मेथड में मिनरल के द्वारा एवापोरेशन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ऐसे रॉक या मिनरल सेडिमेंटरी डिपॉजिट या मटेरियल में आते हैं। इस मेथड में एवापोरेशन के लिए सोलर एनर्जी की जरूरत पड़ती है। लाइन वाटर को पहले क्लोज बेसिन में कलेक्ट किया जाता है, इसे एवापोरेट होने के लिए सन के सामने कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया जाता है। इसमें से लिक्विड निकलने के बाद एवापोरेट रॉक का निर्माण हो जाता है। सरफेस माइनिंग मेथड के इस लेक्चर में आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही अपलोड किया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।